घंटे रोती नहीं है पुलिस स्टेशन में बैठ के
कि भाई रिपोर्ट दर्ज करो। थाने में गई हूँ डायमंड में, वहाँ पे कोई एएसआई मिला, उन्होंने फोन किया किसी को, नाम लिया कोई राणा तनवीर है, ए बी एन एस डिपार्टमेंट से, उनका जी फोन आया तो उनका नंबर दिया कि जी आप इनसे बात कर लें। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि मेरे घर पे कोई कस्टम वाला हो, तो मैं आपको बताती चलूँ, कस्टम वालों को अगर मर्सिडीज और लैंड क्रूजर उठानी है मेरे घर से, तो उनको एफबीआर में इन्फॉर्म किया जाता है कराची में, और हर जगह एक तरीका होता है उनका, उसके बाद वो एफआईओ को मुतला करती है, फिर वो दोनों मिलके नोटिस दिया जाता है ओनर को या कार शोरूम वालों को कि जी आपकी फला गाड़ी का कस्टम पे नहीं हुआ, आप कस्टम पे करें या जो भी है, और कानूनी उसके बाद उनको लीगल एक्शन लिया जाता है। लीगल एक्शन में भी वो नहीं पेश होते, फिर उनको हाथ हासिल होता है, वो आए अंदाजू और आपकी गाड़ी उठा के ले जाए घर से, अगर कस्टम पे वो बंधे थे, जो कि नहीं है। तीसरे नंबर पे ये मैं वकील होने के नाते आप लोगों को कवानीन की रोशनाई करवा रही। तीसरे नंबर पे अगर ए बी एन एस के बंदे थे जो कि किसी ए एस आई राणा तनवीर का नाम सामने है, उसने मुझे नंबर दिया, बल्कि मुझे थ्रेट किया है, मुझे जानी थ्रेट किया है कि आप ये जो सब कुछ कर रही हैं इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा डॉक्टर साहिबा, ये बैठे हुए मेरे साथ बाहर के, बहुत बहुत शुक्रिया बार एसोसिएशन, आपने मेरी इतनी सपोर्ट की, मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे कंधे पे मुझे सपोर्ट किया। तो जी वहाँ पे ऑफिस में राणा तनवीर साहब फरमाते हैं कि मैडम को रोकें, कोई कानूनी चाराजोई ना करें, कोई हमारा बदनामी ना करें, हम ए वी एन एस वाले, आप हमारे साहब को नहीं जानती, आप उनकी इंटरनेट में खोल के देखें स्टोरियाँ, वो किस किस उससे सियासी पार्टियों से उनका ताल्लुक है, मुझे वो साहब को वो दे रहे थे जो उनके आई डोंट नो एस पी हैं, एस एस पी हैं, डी एस पी हैं, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है उसका। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद मैं ए बी एन एस हुकूमत ने बनाया इसलिए कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो, अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाता है तो और आपको एसएमएस चले जाते हैं पुलिस वालों को कि ये गाड़ी आप पकड़ें। ए बी एन एस वालों के पास एक सेंट्रल डाटा होता है कंप्यूटर पे, आपने देखा होगा हर नाके पर वो बैठे होते हैं अपना कंप्यूटर लेके। पाकिस्तान छोड़ूंगी कभी, मैंने इन काली भेड़ों को एक एक करके मंजर यहाँ पे लाना, इनको सजा दिलवानी है, मेरे साथ मेरे मुखला है, मेरे साथ मेरे डॉक्टर है, मेरे साथ मेरा अदाकार फ्रेंड से, मेरे साथ ओवरसीज पाकिस्तानी को इस तरह हरास किया इन लोगों ने, अपनी एब्यूज ऑफ अथॉरिटी की है, मेरे पाकिस्तानी फिल्म बनाई, अपना सारा पैसा वहाँ से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि मेरा स्टेटस लोग देखें, मैं उसे जेलस हो, मुझे मुर्गा बना के फंसाए, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। डॉक्टर साहब ने अभी बड़े वाइड एंगल से आप सब कुछ भेज दी है, मुझे यकीन है जो मुझे कहा इसमें कोई मुबारकबाद या कोई ऐसी और जो लफाजी शामिल नहीं होगी जो इनके साथ जीता कोई नहीं बचा। सबसे पहले तो मैं अगर वाकई ऐसा हुआ तो उस वाकई को तो सब मजम्मत करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और फिर मैं एक और तो लंबी चौड़ी बात भी करूँगा, मैं आवाज प्यार जो हमारे मुल्क के हैं उनसे मुस्तम हूँ कि हिस्ट्री में याद रखे जाने के लिए आपको किसी एक जगह किसी शटर लगाने की जरूरत होती है। शटर 75 वर्षों में बहुत सारे लगे मेरे मुल्क में, लेकिन उसमें भी बेशुमार मरतबा उसकी छाप जो है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रही है कि डॉक्टर साहब इस शतरंजी के लिए कोई भी इस तरह के इवेंट से जो मुतासर है उसके जो ह्यूमन राइट्स है एज ए पाकिस्तानी वो हम सबके एक है, किसी को कोई अनड्यू फोकियत नहीं है हासिल इस मुल्क में, सबके राइट्स है, हम सब पाकिस्तानी, कोई किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता है
उसके राइट्स बिल्कुल जैसे मेरे हैं आपके यहाँ उसके भी वैसे हैं। बड़ा है कर्म अपने उनके इदारों में जो हमारी हुकूमतों को बदनाम करते हैं, जो हमारे राइट्स को अनड्यू तरीकों से मजरू करते हैं, उनकी उनका हिसाब लिया जाए। कौन देगा हिसाब, किससे हिसाब मांगे आप, कौन मुंशी देगा? तो गॉड से मेरी तमाम दरवाजे प्यार से गुजारिश है कि रिपोर्टिंग करने का सद ओवर सिंह के बिचारी मेरी इनसे बड़ी दहाइयों से मुलाकात है। इनके शौचालय की जो इन्होंने फरमाया कि ऐसे से इसको स्कैन किया जाए और जो जो कुछ अनड्यू है, अगर उन गाड़ियों का कोई मसला है कि आ रहा, तो जो एक लीगल प्रोसेस होता है जो सबके लिए वो इनके साथ किया जाए। इनसे कहें कि जी उसके कागजात लाए दिखाए, जो कुछ इनके पास उसका होगा ये ला के उनके एफ बी आर में जहाँ भी जो भी बात उसको, लेकिन ये अनड्यू तरीके से ब्लैकमेलिंग करना और एक डॉन की शक्ल में एक एटीट्यूड लेके आना, उसमें कैदा के रास्ते ढूंढना वेरी बैड। ये सब कुछ यहीं रह जाना है, एकदम रब के पास भी जाना है। सब कुछ कोई नहीं लेके गया, ना मेरे अम्मा बाबा लेके, ना मैं ले जाऊँ, ना आप में से कोई लेके जाए। अगले चार हमें यहाँ बैरियर टाउन में घर रिक्वायर्ड है।